अच्छा शिक्षक बनने की तैयारी करने जा रहे छात्रों के लिए यह मैं पुराने पेपर की सीरीज लेकर आया हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी या शिक्षा शास्त्र या शिक्षा मनोविज्ञान की यह सीरीज है, तो प्रश्नों को देखते हैं। पर उससे पहले मैं बता दूं, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं आपको प्रश्नों का उत्तर एक्सप्लेन करूंगा चित्रों और वीडियो से, पर उसके पहले आप अपना उत्तर चुनेंगे और टोटल कितने नंबर बने 30 क्वेश्चंस में से आप ये जरूर बताएंगे। तो आइए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है? क्या पूछा है? बाल केंद्रित मतलब नीचे अभ्यास नहीं है। चार प्रकार के अभ्यास दिए गए हैं चार ऑप्शंस में, और उनमें से एक अभ्यास ऐसा है जो कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपको वह चुनना है जो बाल केंद्रित नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ज्ञान और कौशल अर्जित करने में छात्र को सक्रिय बनाना। पहले तो हम ये समझें बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। तो आप चित्र में देखेंगे टीचर रहेगा जरूर वहां पर सक्रिय रूप से नहीं रहेगा जितना कि शिक्षा केंद्रित कक्षा में होगा। एक निर्देशक के रूप में, एक गाइड के रूप में काम करेगा या ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है। ये बाल केंद्रित शिक्षा में बालक अपने हिसाब से अपनी बुद्धि का उपयोग करके कार्य करता है, ये बाल केंद्रित शिक्षा है। तो ऐसी शिक्षा में क्या होता है देखते हैं, ज्ञान और कौशल अर्जित करने में छात्र को अधिक सक्रिय बनाना, क्या ये बाल केंद्रित शिक्षा का तरीका है? दूसरा, छात्र को इस बारे में अधिक जानकारी देना कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना, पारस्परिक विचार विमर्श पर ध्यान केंद्रित करना जैसे कि ट्यूटोरियल और अन्य चर्चा समूहों का उपयोग करना। चार ऑप्शन शिक्षा के हैं, पर एक ऑप्शन ऐसा है जो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, तो आप अपना उत्तर चयन कीजिए। इसका उत्तर ये रहेगा, शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना। ये उत्तर क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पर शिक्षक के निर्देश और निर्णय आ गए, तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक स्वयं से ही कुछ करेगा, उसको निर्देश और निर्णय लेने, निर्देश तो सामान्यतः दिए जाएंगे पर निर्णय वो अपने अनुसार लेगा, पूर्णतः शिक्षक पर केंद्रित नहीं रहेगा, पूरी शिक्षा उसके स्वयं पर केंद्रित रहेगी। तो इसका उत्तर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षणों में किया जाता है? मनोवृत्ति के परीक्षणों के लिए कौन सा टेस्ट, कौन सा परीक्षण है? पहले तो ये समझे, परीक्षण जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। बुद्धि का परीक्षण होना, क्षमता का परीक्षण होना, मनोवृत्ति का परीक्षण होना, या फिर शारीरिक, या कई प्रकार से परीक्षण होता है। ये कह रहे हैं मनोवृत्ति के परीक्षण के लिए किया जाता है। चार ऑप्शंस में से एक टेस्ट ऐसा है जो मनोवृत्ति के परीक्षण के लिए किया जाता है, कौन सा है? पहले चार के नाम देते हैं, अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धिमत्ता परीक्षण, या फिर लिकर्ट स्केल टेस्ट। ये चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से ये पूछे मनोवृत्ति के परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट है, आप अपना उत्तर चुनिए। फिर हम समझते हैं, पहले तो समझे अभिक्षमता परीक्षण क्या है। स्कूल्स में होता है, हमारे स्कूल में भी होता है। अधिक्षमता परीक्षण में ये देखा जाता है कि बालक की क्षमता क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट में वह किस क्षेत्र में बेटर कर सकता है, किस क्षेत्र में उसे बेटर करने की क्षमताएं हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स के आधार पर उसको ये बताया जाता है कि आपकी इस क्षेत्र में अच्छी क्षमता है, तो ये एप्टीट्यूड हो गया। यहां जानना क्या है, मनोवृत्ति। तो मनोवृत्ति जानने के लिए कौन से, किस प्रकार के टेस्ट हैं। फिर देखा हमने दूसरा ऑप्शन दिया अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है बच्चे ने क्या अचीव किया है, क्या उसने सीखा है, जैसे स्पेलिंग। इस टेस्ट में कई प्रकार से टेस्ट लिए जाते हैं, स्पेलिंग से स्पेलिंग्स दे दी, अब उसमें देखिए उसने कितनी याद हो गई है, कितना उसने अचीव कर लिया, उसने कितना याद कर लिया, या गणित के कुछ सवाल दे दिए, तो अचीवमेंट टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। आईक्यू टेस्ट या बुद्धिमत्ता परीक्षण आप जानते ही हैं, इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धि का परीक्षण होता है कि आपका बुद्धि का लेवल क्या है, आप जीनियस हैं कि सामान्य छात्र हैं, टैलेंटेड हैं या नहीं है। और एक चौथा है लिकर्ट स्केल टेस्ट। ये लिकर्ट स्केल टेस्ट क्या है, ये एक तरह से स्केल होती है, स्केल से मतलब कोई स्केल वास्तव में नहीं होती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप चित्र में भी देखेंगे, और क्वेश्चंस में ऑप्शन होते हैं, 5 या 7 भी ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे स्ट्रांगली यस, स्ट्रांगली नो, सामान्यतया नो, या नो हाँ, ऐसे करके 5 भी ऑप्शन होते हैं 7 भी ऑप्शंस होते हैं। तो आपको प्रश्नों के उत्तर में 7 ऑप्शंस में से या 5 ऑप्शंस में से एक चुनना होता है, उसके आधार पर मनोवैज्ञानिक आपकी मनोवृत्ति का परीक्षण करते कि आपके मन में क्या चल रहा है, या आपका जो अभिवृत्ति है, मनोवृत्ति है एक्चुअल में, वो कैसी है। इसके लिए चेक करने के लिए सबसे बढ़िया लिकर टेस्ट के अंतर्गत चेक होगा। उत्तर स्पष्ट हो गया, आपने क्या चुना था ये आपकी जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, बहु सांस्कृतिक जागरूकता में, ये बहु सांस्कृतिक जागरूकता क्या है,
पहले तो हम ये समझें, तो बहुसंस्कृत जैसे हमारा देश है, यहाँ पर सभी धर्मों के और सभी धर्मों में भी अलग अलग जातियों के लोग हैं, ये हो गया बहुत प्रकार की संस्कृतियाँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके खालिस्तान के संदर्भ में छात्रों में मतभेद की समझ और सराहना शामिल है, मतभेद की समझ और सराहना शामिल है उनके खालिस्तान के संदर्भ में। किस संदर्भ में? पहले तो ये समझे क्या करना है, तो बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके खालिस्तान के संदर्भ में बहुसांस्कृतिक जागरूकता करनी है कि इतनी संस्कृतियां होती हैं और सभी का सम्मान करना चाहिए। तो इस संदर्भ में छात्रों के मतभेद की समझ विकसित करनी है, उनको समझाना है और उनकी सराहना भी करनी है। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? कौशल और क्षमता, ये तो व्यक्तिगत हो गया कौशल और क्षमता। पहले आप चार ऑप्शंस में से समझेंगे, फिर आप अपना चुनेंगे, फिर मैं बताऊंगा उत्तर। कौशल और क्षमताएं स्पष्ट हो गया। विशेष और आवश्यकताएं और उपहार, सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि, व्यवहार और स्वभाव, चार ऑप्शंस में से सरल क्वेश्चन है, आप अपना चुनिए। कौशल और क्षमताएं व्यक्तिगत होंगी, चर्चा होगी तो। विशेष आवश्यकताएं और उपहार ये भी व्यक्तिगत होंगी, पर सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि ये बहुसांस्कृतिक जागरूकता से संबंधित है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, यही आएगा। और व्यवहार और स्वभाव ये भी व्यक्तिगत हो जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एंटी तनाव दवा, स्पष्ट हो गया, एंटीबायोटिक्स होती है। तो एंटी तनाव, तनाव मतलब एंजाइटी, दवा है कोई एक ऐसी दवा है जिसका प्राथमिक व्यवहार चिंता को कम करता है ना, लेकिन यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है। एंटी तनाव दवा है जो जिसका प्राथमिक व्यवहार प्रभाव चिंता को कम करता है, लेकिन यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है, यह क्वेश्चन है। अब यह तो आप समझ गए एंटी तनाव दवा क्या है और यह क्या कर रहा है, चिंता को कम कर रहा है, एंजाइटी को कम कर रहा है, पर यह है, लेकिन यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य कर रहा है, यह क्या मामला है? तो चार ऑप्शंस में से आंसर चुनना है, करता क्या है ये एक्चुअल में, जो एंटी तनाव दवा है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करती है, और करती कैसे है और क्या करती है? तो ये दवा जो है उत्प्रेरण करती है, अर्थात प्रेरित करती है किसी चीज को। चूंकि एंटी तनाव दवा है तो तनाव को कम करेगी, उत्प्रेरक तो करेगी नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन तो गया। मैं फिर से वही करने लगा, पहले आप अपना उत्तर चुने। उत्प्रेरक, अवसादक, उत्तेजक या संशोधक, क्या करती है? संशोधन करेगी क्या, आपके लिए सही करेगी, बेटर बनाएगी, या उत्तेजित करेगी और चिंता में, या अवसादक करेगी कम करेगी, या उत्प्रेरक करेगी या और बढ़ाएगी चिंता को। तो एंटी तनाव दवा जो होती है वो आप सोच सकते हैं कि संशोधन करती है, तनाव में संशोधन नहीं करती है। तनाव क्योंकि आपकी बुद्धि से आया और दवा बुद्धि को कम ज्यादा नहीं करेगी, वो क्या करेगी, या तो बिल्कुल रोक देगी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लें, बॉडी में होता है, तो ये क्या करती है, चिंता को बिल्कुल अवसादक कर देती है, बंद ही कर देगी, डिप्रेजेंट कर देगी, डिप्रेजेंट लिखा है ये, डिप्रेजेंट कर देगी। दवाई का यही काम होता है, मॉडिफाई नहीं करेगी आपको चिंता को कि आप अच्छा अच्छा सोचने लगे, ऐसा नहीं कर पाएगी, कम कर देगी या गायब कर देगी, है ना, तनाव की जिसका प्राथमिक और चिंता को कम करना है। तो ये कम कैसे करेगी, रोक ही देगी आपकी क्षमता को। अब आया नया क्वेश्चन, क्या है भाई, निम्नलिखित में से अवसादक, मैंने उसका उत्तर नहीं बताया, मतलब डिप्रेजेंट को रोक ही देती है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से बच्चों को परीक्षाओं में असफल होने का कारण बनता है? फिर से समझेंगे, चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से ये समझना है कि जो बच्चे हैं उनको मुख्य रूप से परीक्षाओं में असफल होने का क्या कारण है। चार ऑप्शंस दिए हैं, कक्षा का परिवेश, शारीरिक शक्ति, परीक्षा का डर और परीक्षा के दौरान धैर्य की कमी। इन सब में परीक्षा में असफल होने का कारण क्या है? वैसे तो सारे कारण परीक्षा में असफल होने में कार्य बनेंगे, पर सारे में से हमें वो चुनना जो सबसे ज्यादा मुख्य है। तो कक्षा का परिवेश, शिक्षा क्षेत्र की अपेक्षा से इस ऑप्शंस को नहीं चुना जाएगा। क्यों नहीं चुना जाएगा? क्योंकि कक्षा का परिवेश अच्छा बनाना चाहिए और इस पर हमारा नियंत्रण है, इसलिए इस ऑप्शंस को शिक्षा मनोविज्ञान की अपेक्षा से नहीं चुनेंगे। पर ये उत्तर हो सकता है, कक्षा का परिवेश अच्छा नहीं है तो फेल हो गया बच्चा,
शारीरिक शक्ति और बुद्धि थोड़ी अलग अलग मैटर है, पर फिर भी यही कारण बन सकता है। कह दिया भैया पूरे साल पैरालिसिस रहा, नहीं सीख पाया, फेल हो गया। पर यहां पर कोई एक व्यक्ति की अपेक्षा से कारण की बात नहीं है, या कक्षा का परिवेश किसी एक स्कूल का परिवेश रहेगा, यहां पूर्ण छात्र समूह की अपेक्षा से बात की जा रही है सार्वभौमिक रूप से, कि क्या कारण है। अगर बच्चा असफल हो रहा है तो सबसे मुख्य कारण इनमें से कौन सा रहेगा, डर रहेगा उसका, या परीक्षा के दौरान धैर्य की कमी रहेगी। जैसे धैर्य की कमी के कारण भी फेल हो सकता है वो, परंतु सबसे मुख्य कारण है उसमें डर। यदि उसमें परीक्षा का डर है तो वो असफल हो सकता है और ये कारण बनता है। इसीलिए जो 5 नंबर का एक कोर्स रहता है शिक्षा मनोविज्ञान में, कि जो परेशानियां उनको कम करें दूर कैसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, करके सीखना से ध्यान एक ही मनोवैज्ञानिक का आता है, तब होता है जब अधिगम निम्न होता है। करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग कब होता है, जब अधिगम किस प्रकार का हो, शिक्षक केंद्रित हो, प्रासंगिक और व्यवहारिक हो, निष्क्रिय और सैद्धांतिक हो, रटना और या शिक्षाप्रद हो। इन 4 ऑप्शंस में से करके सीखना अधिगम कब होता है ये पूछा है। शिक्षक केंद्रित रहेगा तो शिक्षक बोलेगा, बच्चा कुछ नहीं करेगा तो इसमें तो कर ही नहीं रहा कुछ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये प्रासंगिक और व्यवहारिक, मतलब जो वो पढ़ रहा है, जो वो कर रहा है वो प्रासंगिक है ना, उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग है, उसके उपयोग में आने वाला है और व्यवहारिक भी है। तीसरा ऑप्शन दिया निष्क्रिय है, काम में नहीं आता, सैद्धांतिक है बिल्कुल, जैसे फिजिक्स है आप यूज में नहीं ले रहे हैं पर आपको याद करना है, समझना है, या रटना या शिक्षाप्रद है। तो ये पूछा करके सीखना किस अधिगम के अंतर्गत आएगा, तो करके सीखना इन 4 ऑप्शंस में से 2 में रहेगा। प्रासंगिक और व्यवहारिक अधिगम जब होगा तो उसमें करके सीखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के कामकाज के लिए मानवीय अनुभूति की तुलना करता है। क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना, कंप्यूटर के कामकाज के लिए मानवीय अनुभूति की तुलना, मतलब कंप्यूटर के कामकाज की मानवीय अनुभूति की तुलना कौन करता है। तंत्रिका प्रक्रम करता है, मानचित्रण करता है, सूचना प्रक्रम करता है, मन मानचित्रण। 4 में से आप अपना ऑप्शन चुनिए, उत्तर बताते हैं। पहले ऑप्शन दिया जैसे तंत्रिका प्रक्रम या न्यूरल प्रोसेसिंग, ये क्या है, इसमें क्या होता है, माइंड से संबंधित बात होती, दिमाग की संरचना कैसे है और कौन सा हिस्सा दिमाग का कब और किस लिए काम करता है। माइंड में पूरा बहुत बड़ा हिस्सा है, तो मनोवैज्ञानिक जो हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो ये जानते हैं या उनका यही काम है कि माइंड में कौन सी समस्या कहां होती है और इसी विषय का ज्ञान या इसी से संबंधित सिद्धांत तंत्रिका प्रक्रम के अंतर्गत आएंगे, कि भाषा के लिए माइंड का कौन सा हिस्सा एक्टिव होगा या फिर और तर्क के लिए कौन सा होगा, ये सारी चीजें भी निश्चित हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये तो माइंड से रिलेटेड हो गया, यहां तुलना कोई होती नहीं है इस सिद्धांत में, इस सिस्टम में। नेटवर्क मैपिंग ये किसी भी व्यापार में भी हो सकती है, शिक्षा में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में होता क्या है, जैसे कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी और एक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक मेमोरी में कंप्यूटर काम करता है, उसमें ज्यादा देर तक मेमोरी नहीं रह सकती। जैसे आप कोई मैसेज लिख रहे हैं और मैं मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए और फिर से ऑन करेंगे तो वहां पर वो चीज नहीं मिलेगी आपको, परंतु वही मैसेज यदि आप किसी को भेज देंगे और मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा तो ऑन करने के बाद भी आपको वो चीज मिलेगी। तो एक होगी प्राइमरी मेमोरी जहां पर आपको थोड़ी देर बाद वो चीज नहीं मिलेगी, पर एक होती है सेकेंडरी मेमोरी जहां पर बहुत देर तक या हमेशा के लिए मेमोरी में वो चीज स्टोर हो जाती है। तो ऐसे ही इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो एक सिस्टम है, इसमें भी यही काम है। जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने इसको जो व्याख्या करी, उसमें क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग होती है। सबसे पहले मेमोरी में जैसे हमारे ज्ञान में कुछ आएगा तो वो नॉर्मली रहेगा, अगर वो कहीं और चला गया सेकेंडरी या मस्तिष्क के ऐसे हिस्से में चला गया है जहां वो बहुत दिन तक रहेगा। तो ये तुलना की गई है कि कोडिंग डिकोडिंग लैंग्वेज होती है, ज्ञान का भी कोडिंग डिकोडिंग होता है जैसे कंप्यूटर में होती है, तो वैसी तुलना इसमें की गई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। इसलिए इसका उत्तर यही होगा। माइंड मैपिंग में क्या आता है, माइंड मैपिंग में दिमाग में जो हम सोच रहे हैं है ना, उसका चिंतन कैसा है, चिंतन करने का तरीका कैसा है ना। जैसे हमने बोला खाना, अब खाने के बाद आया आपके पास पानी भी आ गया,
पानी की चर्चा नहीं हुई थी। माइंड मैपिंग में यही होता है कि मतलब आपका माइंड किस तरीके से काम करता है। जैसे हमने बोला खेलना, तो खेलने के बाद आपके कई प्रकार के जगह दिमाग दौड़ा। जब तक खेलने की बात नहीं कही थी तब तक फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट पर ध्यान नहीं गया था। जैसे ही खेल की बात आई तो आपका दिमाग इतनी जगह दौड़ गया, क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल इन जगह पर, बाकी नहीं गया। तो ये मानचित्रण में यही होता है कि कितने तरीके से भाग सकता है दिमाग। तो ये सात ऑप्शन, सात नंबर क्वेश्चन में इतना ऑप्शंस हुए। तो कंप्यूटर के कामकाज के लिए मानवीय अनुभूति की तुलना की गई किसमें? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफी हटके होते हैं, अलग होते हैं, उन्हें इस रूप में माना जाता है, अलग हैं जो बच्चे थोड़े हटके हैं, तो वो स्वपरायण बच्चे कहलाएंगे, असामान्य बच्चे कहलाएंगे, बुद्धिमान बच्चे कहलाएंगे या असाधारण बच्चे कहलाएंगे। आप अपना ऑप्शन चुनिए। तो जो बच्चे काफ़ी हटके हैं, अलग हैं, वो स्वपरायण बच्चे कहलाएंगे क्या? स्वपरायण बच्चे कई प्रकार के होते हैं, है ना, स्वलीन भी कह सकते हैं। जैसे असामान्य बच्चे एबनॉर्मल बच्चे हैं, असामान्य हैं, तो इसे कहेंगे क्या? आप अपना उत्तर चुनिएगा। बुद्धिमान और असाधारण, इनमें से इसका उत्तर असाधारण होगा। अब ये समझें कि ये बुद्धिमान तो हटा दीजिए और स्वपरायण हटा दीजिए, बाकी असामान्य और असाधारण में अंतर क्या है? असामान्य मतलब बिल्कुल अलग, एबनॉर्मल है वो। इसकी हिंदी असामान्य की क्या है? एबनॉर्मल, मतलब वो नॉर्मल नहीं है, कमजोर है, हटके है, एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं है वो बच्चा। और असाधारण का मतलब होता है विशिष्ट, विशेष, खास, मतलब वो बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत खराब भी हो सकता है। असामान्य में केवल वो चीजें आएंगी जो नेगेटिव सेंस में है, जबकि असाधारण में मतलब विशेष है, स्पेशल है, खास है। उनमें असाधारण में सभी प्रकार के कमजोर या फिर बहुत मजबूत दोनों टाइप के बच्चे आएंगे। इसलिए जो काफी हटके होते हैं उनके लिए ऑप्शन आएगा एक्सेप्शनल। ये एक्चुअल में साइकोलॉजी का क्वेश्चन न हो के भाषा से संबंधित प्रश्न है, तो इसे याद रखिएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या दिया हुआ है? व्यक्तियों में खाली स्थान उत्पन्न विभिन्नताओं को लिंग संदर्भित करता है। पहले तो ये समझे, व्यक्तियों में जो है खाली स्थान से उत्पन्न अर्थात हमें खालिस्तान देखना पड़ेंगे, शैक्षिक रूप से उत्पन्न, भावनात्मक रूप से उत्पन्न, जैविक रूप से उत्पन्न या सामाजिक रूप से उत्पन्न। तो व्यक्तियों में खालिस्तान से उत्पन्न विभिन्नताओं का लिंग संदर्भित करता है। तो शैक्षिक रूप से उत्पन्न विभिन्नताओं को लिंग संदर्भित करता है क्या, या भावनात्मक रूप से जो भावनात्मक रूप से बात उभरी है उसको लिंग संदर्भित करता है, या जैविक रूप से या सामाजिक रूप से? तो देखिए, अगर लिंग संदर्भित हो रहा है तो शैक्षिक रूप से तो नहीं होगा, जैसे है चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो समान रहता है। भावनात्मक रूप से भी नहीं होगा, भावनात्मक रूप में भी स्वतंत्र होता है। हाँ, जैविक रूप से जन्म से ही वो लड़का है लड़की अलग अलग हो सकता है, और सामाजिक रूप से भी मान लो वो लड़का लड़की अलग अलग रूप से हुआ है पर बाद में उसे लड़की जैसा व्यवहार करने के लिए सिखाया गया, लड़के को लड़के ही जैसा व्यवहार करने में सिखाया गया। तो ये दो ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, दो में से कौन सा होगा इसके लिए हम एक बार फिर से क्वेश्चंस को समझेंगे। व्यक्तियों में खालिस्तान उत्पन्न विभिन्नताओं को लिंग संदर्भित करता है। खालिस्तान उत्पन्न यहां पर उत्पन्न की गई है, जैविक जो विभिन्नता है, जैविक अर्थात जन्म से ही जो लिंग मिला है वो जन्मजात है, इनहेरिटेड है, परंतु सामाजिक रूप से जो जिम्मेदारियां मिलती हैं रूढ़िवादिता से कि तुम लड़की ऐसे रहोगी या लड़का तो ऐसे रहोगी, तो वो उत्पन्न की जाती है, पर धीरे धीरे बनाई जाती है। तो व्यक्तियों में सामाजिक रूप से उत्पन्न विभिन्नताओं को लिंग संदर्भित करता है, सामाजिक रूप से उत्पन्न होती है, बाकी जैविक रूप से तो पहले ही से होती है। तो इसका उत्तर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये याद करने वाला क्वेश्चन लग रहा है ऑप्शंस को देख करके, क्या दे रहे हैं? खालिस्तान वे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयत्न त्रुटि अधिगम के प्रयोगों को संचालित किया था। सबको पता है, उत्तर बताने की जरूरत नहीं है, थॉर्नडाइक ने ही प्रयत्न में भूल का सिद्धांत दिया था, और उनके सिद्धांत का नाम और क्या क्या है तो आप नीचे में लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन उसमें भी देख सकते हैं, 5-6 नाम है इनके सिद्धांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क संगत चिंतन, चिंतन भी कई प्रकार का होता है, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, आप नीचे उसमें देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चिंतन शब्द निम्न से संबंधित है, चिंतन किससे संबंधित है? व्यक्तित्व से, मनोवृत्ति से, बुद्धि से, प्रेरणा से।
तर्कसंगत चिंतन की बात हो रही है, नॉर्मल चिंतन की बात नहीं हो रही, तर्कसंगत चिंतन से संबंध, व्यक्तित्व से संबंधित है क्या? देखो पर्सनालिटी एक अलग मैटर है, ये कह सकते हैं कि भाई जिसकी जैसी पर्सनालिटी होती है वो उस तरीके से थोड़ा थोड़ा सोचता है, पर यहां कह रहे हैं तर्कसंगत चिंतन किससे संबंधित है, तो व्यक्तित्व से संबंधित है क्या, मनोवृत्ति से संबंधित है क्या, बुद्धि से संबंधित है, प्रेरणा से संबंधित है। यहां एक और कंफ्यूजन है क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व के अंतर्गत मनोवृत्ति भी आ गई, बुद्धि भी आ गई, प्रेरणा भी आ गई, है ना। इसीलिए इसको ये भी आंसर लोग लिख सकते हैं, पर फिर से मैं कहूंगा तर्क संगत यहां पर खास शब्द डाल दिया, इसलिए क्वेश्चन विशेष बन जाता है अपने आप में। तो व्यक्तित्व और तर्कसंगत चिंतन अलग अलग मैटर है, मनोवृत्ति मन में क्या है अलग मैटर हो जाएगा, यहां तर्कसंगत चिंतन की बात है, अर्थात तर्कसंगत चिंतन के लिए क्या जरूरी है सबसे ज्यादा, यू समझ सकते हैं आप। तो व्यक्तित्व कैसा है, डजंट मैटर, अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी है। मनोवृत्ति कैसी है, इट डजंट मैटर, वो तर्क कर सकता है, पर बुद्धि उसकी अच्छी है कि आईक्यू लेवल कैसा है, जैसा आईक्यू लेवल रहेगा वैसा वो तर्क कर पाएगा, उतना ही सॉलिड तर्क कर पाएगा, इसलिए तर्क संगत चिंतन में ये इससे संबंधित है, बुद्धि से, ना कि मनोवृत्ति से और व्यक्तित्व से या प्रेरणा से। ये तीनों कैसी हैं, इनसे तर्क पर प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा जितना बुद्धि से प्रभाव पड़ेगा कि आपकी बुद्धि कैसी, तो इसका उत्तर होगा तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक वातावरण में, फिर से देखेंगे, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का, औपचारिक वातावरण पहले तो समझें, एक होता है अनौपचारिक, जैसे कोई व्यक्ति सीख रहा है, घूमते हुए सीख रहा है, खेलते हुए सीख रहा है, और औपचारिक वातावरण मतलब क्लास हो गई अब, तो औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का खालिस्तान द्वारा अध्ययन किया जाता है। औपचारिक वातावरण में यदि कोई अध्ययन किया जा रहा है तो वो अधिगम, औपचारिक वातावरण होने वाले अधिगम का खालिस्तान द्वारा, कई प्रकार के लोग अध्ययन करते हैं, अधिगम का भी अध्ययन होगा, अधिगम का अध्ययन भी होगा, टीचर या कोई साइकोलॉजिस्ट इस पर रिसर्च करेगा कि भाई कैसे सीखते हैं। तो यहां पूछ रहे हैं औपचारिक वातावरण होने वाले अधिगम का खालिस्तान द्वारा अध्ययन किया जाता है, मानव विज्ञानी द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा, नैदानिक मनोविज्ञानी द्वारा या सामाजिक मनोविज्ञानी द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा है। अब समझेंगे इसको थोड़ा सा अच्छे से, मानव विज्ञानी द्वारा किया जाता है क्या, मानव विज्ञान में मानव विज्ञान का ही अध्ययन होगा, यहां पूछा अधिगम खालिस्तान द्वारा अध्ययन किया जा सकता है, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का अध्ययन, तो शिक्षा मनोविज्ञानी से होगा या नैदानिक मनोविज्ञानी से होगा, सामाजिक, तो सामाजिक मनोविज्ञानी अनौपचारिक हो जाएगा, वो फिर औपचारिक वातावरण वाली बात नहीं आएगी, समाज में कहीं भी जो अधिगम हो रहा है उसका अध्ययन करेगा सामाजिक मनोविज्ञानी, पर यहां तो औपचारिक वातावरण में अधिगम की बात है, तो औपचारिक वातावरण मतलब क्लास, और क्लास के अधिगम का अध्ययन करेगा शिक्षा मनोवैज्ञानिक। यदि मैं यहां औपचारिक की जगह बिल्कुल कह देता, औपचारिक वातावरण की जगह कहता मैं हॉस्पिटल या फिर सुधार गृह, सुधार गृह में होने वाले अधिगम का खालिस्तान द्वारा अध्ययन किया जाता है, तो ये होता क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, है ना। अगर यहां होता समाज में होने वाले अधिगम का अध्ययन खालिस्तान द्वारा किया जाता है, तो यहां ऑप्शन आता है सोशल साइकोलॉजिस्ट, यहां पूछो औपचारिक वातावरण, तो औपचारिक वातावरण मतलब क्लास अर्थात शिक्षा मनोविज्ञानी, इसका उत्तर होगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, किस पेशे में अभिवृत्ति जांच का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, पहले तो अभिवृत्ति जांच का उपयोग सबसे ज्यादा कहां किया जाता है ये समझना है, पहले तो ये समझे अभिवृत्ति जांच क्या है, अभिवृत्ति को इंग्लिश में क्या लिखा है इन्होंने, एप्टीट्यूड, अभी मैंने बताया था मतलब एप्टीट्यूड मतलब क्षमता, आप में क्या क्षमताएं हैं, एप्टीट्यूड में आएगा, तो क्षमताओं को यदि जानना है और क्षमताओं की जांच का उपयोग सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में किया जाएगा कि आपकी क्या क्षमता है, मार्गदर्शन परामर्शक में या चिकित्सक में या वकीलों में इंजीनियर में, वैसे सब जगह आपकी क्षमताओं को देखा जाता है, पर यहां फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या लिखा है, किस पेशे में अभिवृत्ति जांच का सबसे अधिक उपयोग किया जाएगा, तो सबसे अधिक में इंजीनियर में किया जाएगा, वकील, चिकित्सक या मार्गदर्शन परामर्शक, तो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाएगा मार्गदर्शन परामर्शक में, कि भाई आपकी क्षमताएं क्या है जांचनी, उसके हिसाब से आपको मार्गदर्शन दिया या उसके हिसाब से आपको परामर्श दिया। वैसे चिकित्सक भी जांचता है कि भाई इसकी कितनी क्षमता है, कितने एमजी की दवाई ये खा सकता है, पर यहां जरूरी नहीं है ये सब हो, पर यहां जरूरी है, मार्गदर्शन देना या परामर्श देना है तो उसके लिए अभी क्षमता परीक्षण या अभिवृत्ति परीक्षण जरूरी है।
निम्नलिखित में से प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत जैविक पहलुओं और आवश्यकताओं पर किसी प्रकार से ध्यान केंद्रित नहीं करता है? प्रेरणा पहले ही समझेंगे, निम्नलिखित में से प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत, ये बात की गई है, तो पहले हमें प्रेरणा को समझना बहुत अच्छे से जरूरी है कि प्रेरणा क्या है। सब समझते हैं मोटिवेशन, सेल्फ भी होता है बाह्य भी होता है ना, आंतरिक भी होता है। तो जो प्रेरणा के कई सिद्धांत हैं उनमें, जो प्रेरणा का सिद्धांत है उनमें जैविक पहलुओं और आवश्यकताओं पर किसी प्रकार से ध्यान केंद्रित नहीं करता, मतलब जो प्रेरणा आ रही है या प्रेरणा हो रही है उनमें जैविक पहलुओं या आवश्यकताओं से कोई मतलब नहीं है या उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। इन चार में से, चार सिद्धांतों में से एक सिद्धांत ऐसा है जो आपकी आवश्यकताओं और जैविक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करता या उसको आधार नहीं बनाता, तो वो एक चुनना है। तो सबसे पहले ड्राइव सिद्धांत। ड्राइव सिद्धांत क्या है? पहले तो ये हिंदी का नाम नहीं दिया इन्होंने, ड्राइव को अंग्रेजी में ड्राइव लिख दिया। ड्राइव मतलब प्रेरक। क्या होता है, जब आपकी कोई जरूरत होती है तो आप उसके अनुसार आप काम करते हैं या व्यवहार करते हैं, तो वो कहलाता है प्रेरक। जैसे आपकी जरूरत है खाना, तो आपके भूख नाम के प्रेरक ने आपको प्रेरित किया और आप कुछ काम करने के लिए तैयार हुए, बनाने के लिए, खरीदने के लिए, खाने के लिए। तो ये ड्राइव सिद्धांत है, ड्राइव थ्योरी है ये। तो इसमें तो आवश्यकताएं और जैविक पहलुओं दोनों पर बात फोकस्ड है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। आप अपने ऑप्शन चुन लीजिए। आवश्यकताओं सिद्धांत के पदानुक्रम प्रत्यक्षता के सिद्धांत की आवश्यकता होती है या वृत्ति सिद्धांत। अब समझते हैं क्या मतलब है, ये तो समझ ही गए आप। आवश्यकता के सिद्धांत का पदानुक्रम का मतलब क्या है, आपने अब्राहम मास्लो का नाम सुना होगा, उन्होंने पांच प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं, जिनका सिद्धांत का नाम आवश्यकता विकास का सिद्धांत है। तो वो भी आवश्यकताओं पर, इन्होंने कहा आवश्यकताओं पर किसी प्रकार से ध्यान केंद्रित नहीं करता, तो उनका सिद्धांत तो आवश्यकताओं पर ही केंद्रित है, इसलिए ऑप्शन भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट कॉस्ट ऑप्शन क्या है, प्रत्यक्षता को सिद्धांत की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्षता को सिद्धांत की आवश्यकता होती है, ये इनको इंग्लिश नाम क्या दिया उन्होंने, मैनिफेस्ट नीड थ्योरी। पहले तो हम ये समझे मैनिफेस्ट नीड थ्योरी है क्या, तो ये दिया है मुरे ने मैनिफेस्ट नीड थ्योरी, और ये भी कहते हैं जरूरत के आधार पर व्यवहार होता है। प्रत्यक्षता को सिद्धांत की आवश्यकता होती है, ये जरूरी नहीं है, और ये ऑप्शंस भी कनेक्ट नहीं हो रहा, पर ये मैनिफेस्ट नीड थ्योरी जो है ये नीड स्वयं इसमें नाम आ गया, और इसकी हिंदी इन्होंने ये की है, मैनिफेस्ट नीड्स थ्योरी लिखा है और ये इसकी इंग्लिश कर रहे हैं ये, प्रत्यक्षता को सिद्धांत की आवश्यकता होती है। ये अजीब है, पर ये मैं आपको इंग्लिश का सही माना जाएगा, तो मैनिफेस्ट नीड थ्योरी दी है मुरे ने, और उन्होंने ये भी कहा है जरूरत के हिसाब से व्यवहार होता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन देख रहे हैं वृत्ति सिद्धांत या इंस्टिंक्ट थ्योरी, ये भी एक थ्योरी है। इसमें क्या मामला है, इंस्टिंक्ट थ्योरी में क्या होता है, जैसे आपने कोई अजीब सा सीन देखा या कुछ स्पेशल आपने चीज देखी, आपको जरूरत भी नहीं थी और आपको उससे मतलब भी नहीं था, पर आपने उसके अनुरूप व्यवहार कर दिया। जैसे आपने बोल दिया वाह, आपने कोई वतक देखी या आपने कोई ऐसा चित्र देखा तो आपने वाह बोल दिया, आपकी जरूरत नहीं थी, जैविक पहलू भी नहीं थी, फिर भी आपने वाह बोल दिया, प्रेरित हो गए आप, अचानक से आपके मुंह से वो चीज आ गई। तो ये जो चीज है इसका उत्तर होगा फोर। हाँ, यदि इंग्लिश में जाएंगे तो इंस्टिंक्ट थ्योरी या वृत्ति सिद्धांत, और हिंदी की अपेक्षा से बात करेंगे तो ये भी इसका ऑप्शन हो सकता है, मगर इसकी जो इंग्लिश है ये अलग मैटर है, ये दोनों चीजें अलग अलग रही हैं। इसका उत्तर रहेगा फोर्थ मेरे हिसाब से, और इंग्लिश हिंदी अकेले की अपेक्षा से बात की जाए तो ये भी हो सकता है। इन्होंने उत्तर दिया है तीन, इसको और अच्छे से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसी अधिगम का एक संज्ञानात्मक नहीं माना जाता है। अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता है, मतलब अधिगम कई प्रकार से है, ठीक है ना, समग्र भी है, करके सीखना भी है। तो ये कह रहे हैं निम्नलिखित में किसी अधिगम का संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता, तो कौन सा, मतलब चार में से एक रूप ऐसा है जो संज्ञानात्मक नहीं होता है, देखते हैं। प्रत्यधिकृत अनुबंध, मतलब विकेरियस कंडीशनिंग। ये क्या है विकेरियस कंडीशनिंग, इसको थोड़ा से समझना है। क्या होता है जब आप विकेरियस कंडीशनिंग, मतलब ये भी एक संज्ञानात्मक अधिगम के संबंधित ही आती है, उसमें होता क्या ये समझते हैं, तो जब आप कोई चीज सीखने के लिए तैयार नहीं है या केवल आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज को डायरेक्टली, आप मतलब बैठ करके और क्लास में नहीं सीखे हैं आप,
पत्राधिकृत अनुबंध में क्या होता है, आप कोई सीखने के मूड से या क्लास में बैठ करके या टीचर से सुनकर नहीं सीखते हैं, इसमें सीखते कैसे, ऑब्जर्व करके। कहीं कुछ हो रहा है आपने होते हुए देख लिया है ना, या इनडायरेक्टली आपने कुछ सीख लिया, ये होता है विकेरियस लर्निंग या पत्राधिकृत अनुबंध। तो ये भी संज्ञानात्मक ज्ञान तो एक्टिव होता है, उससे संबंधित है। इन्होंने पूछा संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता है, ठीक है। अव्यक्त अधिगम लेटेंट लर्निंग क्या है, ये लेटेंट लर्निंग में क्या होता है, आप कुछ सीख तो लेते हैं, समझ लेते हैं, पर आप उसको परफॉर्म नहीं करते, व्यक्त नहीं करते, अव्यक्त ही रहता है। पर इसमें भी क्या होता है, संज्ञानात्मक रूप है ये अधिगम का, इन्होंने पूछा संज्ञानात्मक रूप नहीं माना गया है। तो विश्लेषणात्मक अधिगम में भी क्या है, बिल्कुल आप संज्ञानात्मक रूप से विश्लेषणात्मक अधिगम में, इसमें तो और संज्ञानात्मक रूप से एक्टिव होने की जरूरत होती है, तो ये भी है। चौथा ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग अर्थात शास्त्रीय अनुबंध, क्या इसमें संज्ञानात्मक रूप है या नहीं है, ये अलग ही है, पावलोव का इसने दिया है और इसमें उन्होंने कुत्ते पर जो प्रयोग किया है तो ये संज्ञानात्मक रूप से नहीं है, ये अलग ही चीज आ जाती है। इसका ऑप्शन होगा 4। आपने क्या सोचा था, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाने के लिए किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई प्रकार के सिद्धांत हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा किस सिद्धांत का उपयोग विषय के बारे में उत्सुक बनाने के लिए किया जाए। पहले से पता हो, अगर पहले से पता होगा तो वो फिर पढ़ेगा नहीं, बालक बोर हो जाएगा। जानने की इच्छा, हाँ ये कह सकते हैं, पर ये कह रहे हैं किस सिद्धांत का उपयोग छात्रों के को विषय के बारे में उत्सुक बनाना है, विषय के बारे में उत्सुक बनाने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाएगा। विलिंग टू नो, तो ये नॉर्मल डायरेक्ट बात ही कह दी कि जानने की इच्छा। उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा सिद्धांत है वो जो छात्रों को उत्सुक बनाने के लिए किया जाए। वैसे ये भी लग रहा है आंसर, फिर भी ऑप्शंस देखेंगे, जानने की इच्छा ना होना, इच्छा ही नहीं है जानने के अंदर से तो कुछ सीखेगा ही नहीं बालक, पता ना होना। अब कोई चीज पता नहीं है तो पढ़ाई जा रही है और पता नहीं है तो फिर जानने की इच्छा हो सकती, मतलब बालक उत्सुक हो सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन तो गया काम से, ये नहीं रहेगा जानने की इच्छा, ये भी नहीं ऑप्शन होगा। दो ऑप्शन बचे, जानने की इच्छा और पता ना होना। दोनों ऑप्शंस में से उत्सुक बनाने के लिए दोनों कारकर हो सकते हैं, पर शिक्षा के संबंध में पता ना होना को मुक्ता दी जाती है। पर मुझे पर ऐसा लगता है कि जानने की इच्छा होगी मतलब पता नहीं होगा और फिर जानने की इच्छा होगी तभी बालक उत्सुक होगा उसके लिए। मान लो पता नहीं है पर जानने की इच्छा भी नहीं है और तो वो उत्सुक नहीं होगा, इसलिए इसके दोनों ऑप्शंस लग रहे हैं। पर शिक्षा की अपेक्षा से ये माना जाता है कि जब उसे पता नहीं होगा और चूंकि वो क्लास में बैठा ही है पढ़ने के लिए बैठा है, पता नहीं होगा तो उत्सुक होगा, ठीक है, और जानने के लिए तो बैठे नॉर्मल बैठा ही छात्र है, इसलिए ये तो उसकी नॉर्मल सामान्य सी बात है कि जानने के लिए बैठा है, पर पता नहीं होगा तो बहुत अच्छे से जानेगा, इसलिए इस ऑप्शन को मुख्यता देते हैं ना कि दूसरे ऑप्शन को। तो इसका उत्तर 4 चुनना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी कक्षा के संबंध में सत्य है, कौन सा कथन रचनावादी कक्षा के संबंध में सत्य है। पहले तो ये समझिए रचनावादी कक्षा क्या है, कई प्रकार की कक्षा होती हैं, चाइल्ड सेंटर्ड कक्षा है ना, और डायरेक्ट मेथड वाली कक्षा, टीचर सेंटर्ड कक्षा। तो ये कुछ रचनावादी कक्षा के संबंध में सत्य है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शंस में, कक्षा का वातावरण बौद्धिक बौद्धिक भावनात्मक और भौतिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। रचनावाद की कक्षा में कक्षा का जो वातावरण बौद्धिक भी हो बिल्कुल बहुत जरूरी है, तो भावनात्मक और भौतिक रूप से सुरक्षित हो, सारी चीजें जरूरी हैं। दूसरा, अधिगम प्रक्रिया में संरचना का अभाव हो, चूंकि संरचनावादी बात की गई क्वेश्चन में किया गया कि रचनावादी बात, रचनावादी कक्षा के संबंध में यही क्वेश्चन किया गया है ना, रचनावादी कक्षा के संबंध में यही बात की गई है, और ऊपर से यहां कह दिया क्या कि अधिगम प्रक्रिया में संरचना का अभाव, तो ये तो ऑप्शन गया काम से। अगला क्या ऑप्शन, रचनावादी कक्षा में छात्र छात्र के बीच बातचीत की कोई भूमिका नहीं रहती, ये तो 100% आता है। रचनावादी कक्षा में तो लोग बात कर सकते हैं, एक दूसरे डिस्कस कर सकते हैं। निर्देश की विधि एक रचनावादी कक्षा में पूर्णता शिक्षाप्रद है, रचनावादी कक्षा में निर्देश की विधि ये नहीं होता है, रचनावादी कक्षा में बच्चे स्वतंत्र होते हैं कुछ करने के लिए,
तो इस ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन बेटर रहेगा कक्षा का वातावरण एक भावनात्मक भौतिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए, पहला रचनावादी कक्षा की पहली विशेषता, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, किस प्रकार की स्मृति में एक साइकिल चलाने का कौशल संग्रहित होता है। अब कई प्रकार की स्मृति होती है, जैसे सवाल को याद रखना, किसी का चेहरा याद रखना, कोई पिक्चर की स्टोरी याद रखना, है ना, या फिर पेपर के क्वेश्चंस आंसर से याद रखना। तो यहां पूछ रहे हैं, तो अलग अलग की स्मृति होती है, वो माइंड मैपिंग में आपको मैंने जो थोड़ी देर पहले चित्र आपने देखे होंगे उसमें आपको समझ में आया होगा। तो माइंड मैपिंग में यह जो स्मृति है उसमें साइकिल चलाने का कौशल कहां संग्रहित होता है, किस प्रकार की स्मृति कहलाती है वो। कई प्रकार की स्मृतियों में से साइकिल चलाने की स्मृति कौन सी स्मृति है, प्रक्रियात्मक, प्रतिभा संबंधित, प्रासंगिक या घोषणात्मक। बड़ा सरल क्वेश्चन है, कई बार मैंने बताया भी है कि ये प्रक्रिया हो रही, कार्य हो रहा है, इसलिए इस संबंधित कहलाया। बाकी प्रतिभा से इसका लेना देना नहीं है, शारीरिक क्षमता वाली बात है, शारीरिक स्मृति प्रासंगिक भी नहीं है ये और घोषणात्मक भी नहीं है। पहला ऑप्शन इसका रहेगा प्रक्रियात्मक, नाम से स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म सुधार को व्यक्तित्व के खालिस्तान दृष्टिकोण में महत्वता दी जाती है। पहले तो समझे आत्म सुधार, तो सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट को, स्वयं के सुधार को व्यक्तित्व के खालिस्तान दृष्टिकोण में महत्वता दी जाती है। स्वयं का सुधार करना है तो कौन सा दृष्टिकोण होगा, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, मानवतावादी या जैविक। स्वयं के सुधारों के लिए वैसे तो मानवतावादी प्रसिद्ध दृष्टिकोण है। अब इसमें आपको याद करना पड़ेगा, अगर तर्क की बात करेंगे तो सारे ऑप्शंस इसके आंसर में आ जाएंगे। संज्ञानात्मक, भाई आत्म सुधार करना है तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण भी होना चाहिए, स्वयं का मनोविश्लेषणात्मक भी होना चाहिए, पर ये सारे सिद्धांत दूसरे की अपेक्षा से चर्चा की गई है। मानवतावादी दृष्टिकोण होता है तो फिर आत्म सुधार की बात आती है। मानवतावादी दृष्टिकोण में सबकी अपेक्षा से सोचते हुए ये सोचा जाता है कि हम भी गलत हो सकते हैं, बाकी इन सारे सिद्धांतों में ये चीज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में क्या वर्णित है। स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में क्या वर्णित है जो एक व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्थिरता एवं व्यक्तित्व का उत्पादन करता है। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझे, स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में क्या वर्णित है, स्थायी विशेषताओं का पैटर्न है, ठीक है, जो व्यक्तित्व को परिभाषित कर रहा है। स्थायी विशेषताएं बहुत सारी होती हैं, शारीरिक भी एक स्थायी विशेषता है, आवाज, और वो स्थायी विशेषता जो है स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में क्या वर्णित करता है, मतलब स्थायी विशेषताओं को इन चार शब्दों में से क्या वर्णित करता है ये कहा गया है। और वो व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्थिरता एवं व्यक्तित्व का उत्पादन करता है। जितना पेचीदा क्वेश्चन लगे उतना ही सरल उसका आंसर होगा अगर ठीक से समझ में आ गया। तो यहां पूछा पर्सनालिटी, लर्निंग, बुद्धि या प्रेरणा स्थायी विशेषताओं का पैटर्न है और व्यक्ति को परिभाषित करेगा तो वो होगा क्या, ऑप्शन इस दिमाग में आ रहा है कि व्यक्ति को परिभाषित करेगा तो व्यक्तित्व होगा, कि कौन से प्रकार का व्यक्ति है और कौन से प्रकार का व्यक्ति है तो व्यक्तित्व के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सरल क्वेश्चन था, थोड़ा भाषा अपन को लंबी चौड़ी सी लग रही थी। पहला ऑप्शन इसका है, इसमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा किस तरह का विद्यार्थी है जो विषय से संबंधित भौतिक गतिविधि करते हुए सबसे अच्छा सीखता है। कुछ बच्चे बिना किसी गतिविधि के सीख जाते हैं, कुछ बच्चे गतिविधि करते हुए सीखते हैं। यहां पूछा है कि एक विद्यार्थी जो है वो विषय से संबंधित भौतिक गतिविधि करते हुए सबसे अच्छा सीखता है, तो वो किस टाइप का बच्चा है। श्रव्य टाइप से अधिगम करता है, पठन लेखन से, दृश्य संबंधी या गति संवेदी। भाई भौतिक गतिविधि करके सबसे अच्छा सीखता है तो वो गति संवेदी कहलाया। कोई देखकर सीखता है, देखकर ज्यादा अच्छा सीखता है तो विजुअल में कहलाया, सुनकर ज्यादा नहीं तो उसमें आएगा। इसका उत्तर रहेगा काइनेस्थेटिक, मतलब 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अधिगम को एक जीव के, फिर से समझेंगे, अधिगम को एक जीव के खाली स्थान में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया में रूप में परिभाषित किया जाएगा। फिर से समझे क्वेश्चन, अधिगम को एक जीव के खाली स्थान में स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है।
अधिगम जो है वो क्या चीज है, ये परिभाषा में शब्द है। तो अधिगम पहले समझ लें, सीधी सभी मनोविज्ञानिकों की अधिगम की परिभाषा में ये आता है कि अधिगम एक ऐसी चीज है जिससे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो चार ऑप्शंस में से व्यवहार ऑप्शंस को चुनिए, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। अधिगम क्या है, जिससे व्यवहार में परिवर्तन हो तो वो अधिगम है। विचार, व्यक्तित्व या बुद्धि सब में परिवर्तन होता है, पर व्यवहार में परिवर्तन सर्वमान्य है। व्यवहारवादी तो इसी को मुक्ता देंगे। बंडूरा द्वारा किए गए फियरलेस प्रोग्राम में, फियरलेस प्रियर प्रोग्राम में किसने मॉडल की भूमिका निभाई? बंडूरा का नाम आपने सुना होगा, सामाजिक अधिगम का इन्होंने सिद्धांत दिया है। अभी क्वेश्चन पूछा है कि फियरलेस प्रियर प्रोग्राम में मॉडल की भूमिका किसकी थी, आदर्श की? प्रयोगकर्ता ने की, निडर बच्चे ने, मित्रवत कुत्ते ने या भयभीत बच्चे ने? ये तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। बंडूरा का मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ये सारा स्पष्ट करूंगा, लंबा मैटर है, पर ये नॉर्मल आपको उत्तर चुनना है किसने किया। तो फियरलेस मतलब निडर ही होता है, तो ये निडर बच्चे ने, इसका दो ऑप्शन हो जाएगा, फियरलेस मतलब निडर। यहां इन्होंने इसकी हिंदी नहीं की, नहीं तो ये क्वेश्चन को सोचना ही नहीं था, और इंग्लिश मीडियम वालों को तो इसमें बिल्कुल नहीं सोचना पड़ा होगा, निडर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के अर्थ में, भाषा में अर्थ के अध्ययन को इस नाम से जाना जाता है, भाषा है अर्थ के अध्ययन को इस नाम से जाना जाता है, अर्थात भाषा के अर्थ को समझना है तो वो क्या कहलाता है? मोर्फोलॉजी, लिंग्विस्टिक, सिंटेक्स या सीमेंटिक? ये चारों शब्द अच्छे हैं। पहले तो मैं आपको, ये कई बार क्वेश्चन आ गए इसलिए मैं इसकी ज्यादा चर्चा न करके नॉर्मल से बता देता हूं। आपने एक सिद्धांत का नाम सुना होगा, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी, फर्ग्यूसन आई एम एंड किसने दिया है, रॉबर्ट एस लोकार्ट। फर्ग्यूसन, रॉबर्ट एस लोकार्ट, एक सिद्धांत दिया है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। उनमें उन्होंने तीन चीजें बताई हैं, कौन कौन सी तीन चीजें? सबसे पहले तो बताते हैं कि विजुअलाइजेशन होगा, फिर फोनेटिक्स होंगे, फिर उस शब्द का अर्थ जो आप निकालोगे वो सीमेंटिक कहलाता है। तो भाषा के अर्थ के अध्ययन में सीमेंटिक से अर्थ निकलता है, क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था को कहा जाता है? सबसे सरल क्वेश्चन है सीरीज का, 2-3 क्वेश्चन बहुत सरल निकले हैं सीरीज में। मूल संक्रियात्मक, औपचारिक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेद पेशी? तो पहली संविदा पेशी, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, और 7 से 12 मतलब तीसरी, तो मूल संक्रियात्मक इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान के मामले में शरीर के 4 अंग अप्रभावित होते हैं, खालिस्तान के मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं, अप्रभावित नहीं प्रभावित होते हैं, तो वो ट्राइप्लेजिया प्लेगिया कहला गया, बाइप्लेगिया या क्लाड्रिप्लेगिया या हेमिप्लेगिया? इन्होंने फिर इंग्लिश में नाम दे दिया, हिंदी मीडियम को समस्या। पर समझ लीजिए, ट्राई से ट्राइंगुलर आप समझ लीजिए 3 हो गया, जबकि इन्होंने पूछा 4 अंग प्रभावित हों, बाइप्लेगिया कहलाएगा, बाइप्लेगिया तो एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता है क्या है, पर ट्राइप्लेगिया स्पष्ट हो गया 3 अंग प्रभावित, इन्होंने कहा 4 अंग प्रभावित हों। फिर लिखा क्वाड्रिप्लेगिया, क्वाड्रिप्लेगिया में 4 होते हैं एक्चुअल में, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वाड्रिप्लेगिया। आप इसको ऐसे ध्यान रखना जैसे 1 के 4 हिस्से करने हैं तो क्वार्टर क्वार्टर में होंगे, 250 ग्राम मतलब क्वार्टर, तो वो 4 होंगे, इसलिए इसका हो जाएगा 4 अंग प्रभावित होते हैं, तो ये कहलाएगा क्वाड्रिप्लेगिया। अब ये क्या है, क्या प्लेगिया, प्लेगिया क्या मतलब, ये एक्चुअल में लकवा आपने सुना होगा उससे संबंधित शब्द है ये, जब आपका पैरालिसिस कर जाए पूरा, 3 अंग कर जाए तो वो ट्राइप्लेगिया, बाइप्लेगिया मुझे पता नहीं है, क्वाड्रिप्लेगिया मतलब 4 अंग आपके का आप प्रभावित हों उससे किस बीमारी से, तो वो कहलाएगा क्वाड्रिप्लेगिया। और हेमिप्लेगिया क्या होता है, एक तरफ का कोई हिस्सा ब्रेन के डैमेज होने से एक तरफ का कोई हिस्सा काम करना बंद कर दे तो वो हेमिप्लेगिया कहलाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा क्वाड्रिप्लेगिया। ये इसलिए समझ में आ जाना चाहिए आपको क्योंकि क्वार्टर और ट्राइंगुलर 3 से। ओके, किसी के व्यक्तित्व के विकास में, विकास से किसी के व्यक्तित्व के विकास से खालिस्तान में सहायता होती है? हाँ भाई, किसी के व्यक्तित्व का यदि अच्छा विकास हो रहा है तो उसमें किससे, किसमें सहायता होगी? परिपक्वता की प्रक्रिया में को तेज करना, भाई व्यक्तित्व का विकास हो गया तो परिपक्व हो ही गया, आप तेज की क्या बात है, तो ये ऑप्शन हटा दो, पहले की बात हो गई है। शरीर का कद बढ़ने में, व्यक्तित्व के विकास में शरीर का लेना देना नहीं है भाई, और अगर लेना देना हो गया है भी
शारीरिक की अपेक्षा से तो व्यक्तित्व के विकास में, विकास से खालिस्तान में सहायता होती, ये पूछा है। और ये शरीर के कद बढ़ने में, अब व्यक्तित्व का विकास हो गया उससे किस में सहायता होगी? व्यक्तित्व के विकास के दौरान शरीर का कद बढ़ा, ये तो दौरान बढ़ा। इन्होंने कहा व्यक्तित्व के विकास से, मतलब विकास होने के बाद किस में सहायता मिली, ये पूछा है। तो सामाजिक स्थितियों से निपटने में या जन्मजात विकारों पर काबू पाने में। व्यक्तित्व का विकास हो गया है तो ये हो गया, पर सामाजिक स्थितियां जब आएंगी तो उनसे आपको निपटने में सहायता मिलेगी यदि आपके व्यक्तित्व का विकास अच्छा हुआ है तो। इसलिए इसका उत्तर होगा तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे हैं भाई? थोंडाई के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन करती है। उत्तेजना प्रतिक्रिया मतलब वही एस और आर, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, युग्मों की आवृत्ति मतलब बार बार हो, एस आर एस आर, स्टिमुलस हो और आप प्रतिक्रिया करो, ये बार बार हो, युग्मों की आवृत्ति हो, इन दोनों की बार बार आवृत्ति हो तो निम्न का गठन निर्मित करता है। यूं समझिए क्या कहलाता है बार बार आवृत्ति? तो बार बार आवृत्ति प्रबलन है, आदत है, दंड है, अनुबंधन है, क्या है भाई? नॉर्मल दिख रहा है, आदत मतलब वही हैबिचुअल होना, बार बार होना। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक चिंतन का उदाहरण है? रचनात्मक चिंतन का उदाहरण पूछा है तर्क करना, समय पर सक्रिय श्रवण या पूछताछ। रचनात्मक चिंतन है ये, थोड़ा समझना है आपको। तो तर्क करना, तर्क करना किसी समस्या के समाधान की ओर होता है। आर्ग्यूइंग इन्होंने यहां पर लिखा है, इसकी बहस हिंदी में होगी बहस, तर्क करना लॉजिकल होगा तो ये थोड़ा बहुत लगेगा, पर इन्होंने आर्ग्यू यहां पर लिख दिया इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। आर्ग्यू की हिंदी बहस होगी ना कि तर्क होगी, इसलिए ये हिंदी की अपेक्षा से तो कह सकते हैं पर इंग्लिश की अपेक्षा से ये ऑप्शन घट गया कि नहीं हटा। चार ऑप्शन देखेंगे, समय प्रबंधन, सक्रिय श्रवण या पूछताछ, चार ऑप्शन में से कौन सा आपने चुना? अब समझते, रचनात्मक चिंतन में समय प्रबंधन का कोई लेना देना नहीं है, सक्रिय श्रवण में भी कोई लेना देना नहीं, चिंतन की बात है। पूछताछ, यदि आप रचनात्मक कुछ करना चाह रहे हैं तो पूछताछ मतलब सवाल जवाब होंगे, क्वेश्चन भी होगा, आंसर भी होगा, पूछताछ करेंगे। तो पूछताछ अगर करते हैं कोई व्यक्ति तो उसके लिए भी उसको दिमाग चाहिए, किस संबंध में उसे पूछना है, उसके लक्ष्य क्या है, क्या पूछना है और किस लिए पूछना है, तो ये पूछताछ ही इसका उत्तर होगा। नॉर्मली हमारा लगेगा आर तर्क करना, पर उन्होंने तर्क की इंग्लिश में आर्ग्यू लिख दिया इसलिए ऑप्शन हट जाएगा, बाकी पूछताछ इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आर्ग्यू करना और पूछताछ करना दोनों थोड़े से एक दूसरे से संबंधित हैं, पर ये नेगेटिव हो जाता है। पूछताछ किसी रचना के लिए पूछना और पूछने के लिए चिंतन भी होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा निरूपण से किस प्रकार की विषय वस्तु है? श्रवण की, रूढ़िवादी की, दृश्य की या संकेतिक की? सांकेतिक की। किस प्रकार की विषय वस्तु है भाषा? अब आप कहेंगे सर भाषा को हम सुनते भी हैं, रूढ़िवादी तो नहीं कहेंगे, पर चली आ रही है, कई शब्द रूढ़िवादी हो जाते हैं। दृश्य भी भाषा को देखते भी हैं, सांकेतिक भी है, क्या ऑप्शन चुनेंगे? एक्चुअल में भाषा आप अपना ऑप्शन चुन लीजिए वैसे, पर भाषा सांकेतिक में आएगी। भाषा के सिद्धांत को आप पढ़ेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो आपको डाल रहा हूँ उसको पूरा देखें आप ध्यान से, तो उसको देखेंगे तो भाषा सांकेतिक ऐसे जैसे प्रतीकात्मक होते हैं। जैसे कोई शब्द है आपने लिखा घा घड़ी का और घोड़ा, तो घोड़ा से आपके तुरंत मन में आएगा जो रथ में होता है, जो दौड़ता है या चने खाता है, तो ये सांकेतिक होती है, जो शब्द होते हैं वो सांकेतिक होते हैं, किसी एक प्रतीक या किसी एक चिन्ह या सिंबल में आपको वो अनुभव कराते हैं। जैसे मैंने बोला छात्र, तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा कोई ड्रेस पहने और सीखने वाला बालक, तो ये सांकेतिक होती है, किसी और संकेत करती है भाषा, इसलिए इसका ऑप्शन होगा भाषा किसकी वस्तु है? सिंबॉलिक, सांकेतिक विषय वस्तु है। नॉर्मली सबको ए लग रहा होगा या सी लग रहा होगा, तो ये ऑप्शन अपन ने देखे, आपके कितने अंक बने जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी ये भेजें। आज के लिए धन्यवाद।